What is up guys, my name is Nihar, welcome to my channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं why Android is better than iOS. So guys, आज मैं 7 points के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि why Android is better than iOS. So guys, without any wasting time, let us start the video. And guys, video start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो. Now start करते हैं वीडियो को. नाउ गाइस, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है रूटिंग, जिसके वजह से गाइस जो एंड्रॉयड है एक ओपन प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे गाइस जितने भी डेवलपर्स हैं उनको फुल फ्रीडम एंड एक्सेस मिल जाता है इन फोन्स के लिए, इन डिवाइसेस के लिए कस्टम रॉम क्रिएट कर सकें. नाउ गाइस, अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो एंड गाइस अगर आप XDA डेवलपर के वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर गाइस अगर XDA डेवलपर्स ने उन फोन्स के मॉडल्स को अगर उन्होंने ओन कर रखा है तो गाइज वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कस्टम रॉम मिल सकते हैं, इसको गाइज आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन्स में. और वहीं गाइज अगर आप एक iOS डिवाइस अगर आप यूज़र हो तो वहाँ पे गाइज अगर आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं. एंड गाइज अगर आप मान लो कोई भी अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ करते हो जिसमें गाइज आपको कस्टम UI देखने को मिलता है, सपोज दैट वन UI या फिर आप मी UI अगर आप यूज़ कर रहे हो तो गाइज वहाँ पे आप स्टॉक एंड्रॉयड को भी गाइज आप यूज़ कर सकते हो. तो गाइज ये चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं जिसके वजह से जो को एंड्रॉयड में इतनी सारी फ्रीडम मिल जाती है एक ओपन प्लेटफॉर्म होने की वजह से आपको रूट करने का मौका मिलता है. और वहीं गाइज अगर आप एक iOS डिवाइस हो तो गाइज आपको ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है. एंड गाइज बता दूँ कि जो एंड्रॉयड है वो जावा बेस्ड है और जावा गाइज डे बाई डे बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर रहा है, इसीलिए गाइज आप देखते हो कि जो भी एंड्रॉयड पे जो फीचर्स होते हैं जो पहले आ जाते हैं वो आपको करीब 2 साल के बाद या फिर 1.5 साल के बाद आपको देखने को मिलते हैं iOS डिवाइसेस पे. तो गाइज ये जो आपको एंड्रॉयड में रूटिंग का जो फैसिलिटी मिलता है जिसकी वजह से गाइज ये जो एंड्रॉयड को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाता है. एंड नाउ गाइज अगर आप एक बात सपोज करिए कि मान लीजिए आपको प्ले स्टोर पे कोई आपको APK फाइल आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो गाइज आप यहाँ पे एंड्रॉयड में आप डायरेक्ट जाके गूगल पे जाके कुछ सर्च कर सकते हो और उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. एंड गाइज यही सब चीज़ें आपको iOS में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती हैं. तो गाइज यहीं पे देख सकते हो कि ये जो एंड्रॉयड है ये कितना ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फुल फ्रीडम मिलता है, फुल चीज़ें मिलती हैं आपको अपने हिसाब से काम करने को. एंड गाइज वहीं पे आपको iOS पे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं. नाउ गाइज बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो एंड्रॉयड के डिवाइसेस हैं वो उतने ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है. एंड गाइज मैं उनकी इन बातों से टोटली यहाँ पे अग्री करता हूँ. वहीं पे गाइज अगर आप एंड्रॉयड के हाई ब्रेड के फ़ोन्स को यूज़ करते हो या फिर सपोज दैट मान लो आप पिक्सल के फ़ोन्स को यूज़ करते हो या फिर सैमसंग के लेटेस्ट S21 सीरीज़ को यूज़ करते हो जिसमें गाइज आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है, इसके वजह से गाइज जो फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है. गाइज देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा फ्लो तो लगता ही है कि एंड्रॉयड में अगर आप लो बजट के फ़ोन्स को अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत इशू मिलता ही है. और वैसे भी गाइज जो एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हाईली इनक्रिप्टेड है जिसके वजह से गाइज आपको हैक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. एंड नाउ गाइज अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में. एंड गाइज वो पॉइंट है शेयरिंग का. तो गाइज शेयरिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि बहुत ही ईजी वे में कोई भी चीज़ शेयर हो जाए. तो गाइज अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र हो तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन मिल जाते हैं अपने चीज़ों को शेयर करने का. तो गाइज अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र हो तो वहाँ पे गाइज आपको बहुत सारा ही आपको हॉटस्पॉट वाले वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपने फोटोज़ एंड वीडियोज़ को गाइज यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में शेयर कर सकते हो. यहाँ तक कि गाइज आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के थ्रू इन शेयरिंग ऑप्शंस के थ्रू आप अपने जितने फोन्स में जो भी ऐप्स रखें आप उसको भी गाइज आप शेयर कर सकते हो किसी अलग डिवाइसेस में. तो गाइज ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो कि शेयरिंग का पॉइंट मिल जाता है. एंड वहीं पे गाइज आप अगर आप चाहते हो कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करना अपने लैपटॉप या पीसी के साथ तो गाइज बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है एक सिंपल टाइप सी केबल के थ्रू. या फिर गाइज आप चाहते हो कि अपने डिवाइस को एज ए पेन ड्राइव गाइज अगर आप चाहते हो यूज़ करना अपने लैपटॉप या पीसी के साथ तो गाइज वो भी बहुत ईजी वे में गाइज वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है. आप गाइज अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में बहुत ही ईजी वे में एक पेन ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हो, हार्ड ड्राइव को भी गाइज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. एंड गाइज वहीं पे गाइज अगर आप एक iOS डिवाइस यूज़र हो तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है शेयरिंग करने में क्योंकि गाइज वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है वो है एयर ड्रॉप का ही ऑप्शन. एंड गाइज अगर आप मान लो एप्पल के डिवाइस को अगर आप कनेक्ट भी कर देते हो मैकबुक के थ्रू भी फिर भी गाइज वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है वो है एयर ड्रॉप. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको वास्ट ऑप्शन मिल जाता है शेयरिंग का. एंड वहीं पे गाइज अगर आप एक iOS यूज़र हो वहाँ पे गाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं. एंड नाउ गाइज अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में और वो है कस्टमाइजेशन. तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं iOS के बारे में. तो गाइज हम लोग को iOS में बहुत ही सिंपल सा आपको कस्टमाइजेशन करने का यहाँ पे आपको प्रोसेस मिलता है. यहाँ पे आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में जो कि एक बहुत ही छोटी चीज़ है. एंड गाइज आपको यहाँ पे iOS के लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा आपको वहाँ पे कस्टमाइजेशन का आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बस खत्म यहाँ पे.
बट गाइज अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो, ड्यू टू इसके इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम होने की वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। गाइज आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वॉलपेपर तो चेंज कर ही सकते हो, जो कि बहुत ही छोटी सी बात है। यहाँ पे गाइज आप अपने हिसाब से अपने जो आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप मान लो कोई फ़ोन लेके आए हुए और उसमें जो प्री इंस्टॉल जो लॉन्चर दिया हुआ है वो आपको पसंद अगर आपको नहीं आता है, तो आप प्ले स्टोर से जाके अपने हिसाब से अपने पसंद का वहाँ पर लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत ही फ्रेश आपको फील होता है। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप मैं गौर बता दूँ कि अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ज़्यादा ही नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहाँ पे जो एंड्रॉयड का जो डिवाइस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बंडल अप करता है, उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज अगर आप एक आईफोन यूज़र हो तो गाइज वहाँ पे जितने नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ पे टोटली रायता फैल जाता है। सो गाइज कस्टमाइजेशन के हिसाब से गाइज जो एंड्रॉयड का जो डिवाइस है, जो एंड्रॉयड का इकोसिस्टम है, वो iOS से बहुत ही ज़्यादा आगे है। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, गाइस वो है वॉइस असिस्टेंट। तो गाइस हम लोग को एंड्रॉयड में देखने को मिल जाता है गूगल असिस्टेंट एंड आईफोन में देखने को मिल जाता है सीरी। तो गाइस मैं पहले बता दूं कि आपको गूगल असिस्टेंट में गाइस आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, हिंदी में बात कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप हिंदी में उससे बात करते हो तो बहुत ही ईजी वे में हमारा जो गूगल असिस्टेंट है हमको वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है। बट वहीं पर गाइस अगर आप एक सीरी यूज़र हो वहाँ पर गाइस कभी कभी वो हमारे इंग्लिश को समझ तक नहीं पाता, हिंदी तो बहुत दूर की बात है। एंड गाइज अगर आप एक गूगल असिस्टेंट यूज़र हो तो गाइज मैं बता दूं कि इसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि अगर आप गूगल असिस्टेंट को कुछ अगर चीज़ बता देते हो कि मैंने यहाँ पे चीज़ को रख दिया है और उसको भूल जाते हो, और फिर अगर आप उस गूगल असिस्टेंट से अगर आप पूछते हो तो गाइज वो भी आपको बताते हैं, जो कि गाइज बहुत ही कमाल की बात है। तो गाइज वॉइस असिस्टेंट में भी जो गूगल असिस्टेंट है वो सीरी से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि आगे है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड गाइज गूगल असिस्टेंट जो है बहुत ही हैसल फ्री टू यूज़ है कंपेयर करें सीरी के, तो सीरी गाइज उतना हैसल फ्री टू यूज़ नहीं है। एंड नाउ गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइल्स। तो गाइस हम लोग को यहाँ पे एंड्रॉइड में देखने को मिल जाता है फाइल्स एक्सप्लोरर। तो गाइस यहाँ पे जो एंड्रॉइड में आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो सपोज दैट आप कुछ भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करते हो गूगल से, तो गाइस यहाँ पे एंड्रॉइड में बहुत ही अच्छे तरीके से फाइल्स एक्सप्लोरर में वहाँ पे फोल्डर बने हुए आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ आपने जो उसको डाउनलोड किया है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। या फिर गाइस अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ को आप एंड्रॉइड से छुपा के रखना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे फोल्डर्स में फोल्डर बना सकते हो। बट गाइज अगर आप एक iOS यूज़र हो तो गाइज यहाँ पर जो चीज़ें हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो अगर अपने एंड्रॉयड में, तो गाइज यहाँ पर जो फाइल एक्सप्लोरर का जो सिस्टम है बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छे से समराइज किया हुआ है। यहाँ तक कि गाइज अगर आप अपने फ़ोन में पेन ड्राइव को यूज़ करते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो गाइज वहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में आपको वहाँ पर चीज़ें दिखा देता है वो ऑप्शन, वहाँ से आप आराम से जो भी चीज़ है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंड्रॉयड में जो सिस्टम मिल जाता है ये चीज़ों को यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में बहुत ही ईजी टू यूज़ हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको यहाँ पर रखा गया है एज़ कम्पेयर टू iOS। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऐप्स। तो गाइस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड में प्ले स्टोर, एंड गाइस आपको iOS में देखने को मिल जाता है ऐप स्टोर। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे दोनों में कंपेयर करें तो गाइस आपको प्ले स्टोर में बहुत ज़्यादा ही ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी आपको ऐप्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप यूज़ करते करते आप थक जाओगे फिर भी गाइस यहाँ पे जो ऐप्स की जो क्वांटिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। एंड गाइस वहीं पे आपको गाइस जो iOS का जो आपको जो ऐप स्टोर है वहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा ही ऐप्स हैं, बट इतने ऐप्स नहीं जितने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको प्ले स्टोर में। कैसे बता दूँ यहाँ पे बहुत सी छोटे छोटे ऐसे ऐप्स हैं जो कि एंड्रॉयड में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैलकुलेटर है इसका अगर आप यूज़ करते हो अपनी एंड्रॉयड में, तो गैस यहाँ पे आप अपने पुराने हिस्ट्री भी देख सकते हो कि आपने कैलकुलेटर में क्या क्या वहाँ पे आपने किया था। बट गैस वहीं पे अगर आप एक iOS यूज़र तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं पे गाइज अगर आप एक गूगल ड्राइव यूज़र हो एंड्रॉयड में, तो गाइज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है। एंड गाइज वहीं पे गाइज अगर आप एक iOS के iCloud यूज़र हो तो वहाँ पे गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 GB मिलता है, फिर गाइज आपको हर महीने आपको पैसे देके परचेज करना पड़ता है स्टोरेज को। गाइज यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जो ऐप्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाता है, और हर ऐप्स का आपको यहाँ पे जो अल्टरनेटिव आपको देखने को प्ले स्टोर पर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू जो ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में उतने ऐप्स नहीं है, ऐप स्टोर में बेसिकली गाइस जो आपको जो ऐप देखने को मिलेंगे वो आपको ज़्यादातर आपको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। और गाइस वहीं कंपेयर करें हम लोग अपने प्ले स्टोर पर, आपको ज़्यादातर जो ऐप्स है वो आपको फ्री मिल जाते हैं। तो गाइस अगर हम लोग ऐप्स की बात करें तो यहाँ पर भी गाइस जो एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है इसके इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम होने की वजह से गाइस यहाँ पर जो ऐप्स की जो क्वांटिटी है जो बहुत ही ज़्यादा है। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, एंड गाइस वो है वेरिएंट्स। तो गाइस हम लोग को जो वेरिएंट्स जो देखने को मिलते हैं एंड्रॉयड में गाइस बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है, जो सराउंडिंग है, वो है एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है, सराउंडिंग है, प्लेटफॉर्म है,
जहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा ही आपको वेरिएंट देखने मिल जाते हैं। इसीलिए गाइस आप देख सकते हो कि हर महीने ही जो एंड्रॉयड की जो फ़ोन्स होते हैं लॉन्च होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एंड्रॉयड में लो बजट से हाई बजट तक के फ़ोन देखने मिल जाता है। गाइस यहाँ पे आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए या फिर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो आपको हर बजट के हर डिवीजन के फ़ोन गाइस आपको देखने को मिल जाते हैं। बट गाइस अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें एक iOS के डिवाइस से एप्पल के डिवाइस से, तो गाइस एप्पल जो है पूरे साल में सिर्फ एक ही मॉडल या दो मॉडल निकालता है। तो गाइस यहाँ पे जो उसके वेरियंट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस होते हैं। तो गाइस अगर कंपेयर करें यहाँ पे हम लोग, तो गाइस यहाँ पर भी गाइस आपको वेरिएंट मिल जाते हैं, आपको चॉइस मिल जाती है। बट गाइस आपको यहाँ पे एप्पल में आपको चॉइस नहीं मिलती है, वहाँ पे एक ही फ़ोन को या फिर एक ही मॉडल को वहाँ पे लॉन्च करते हैं और उसके बाद उसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो जो एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू iOS। एंड आई होप सो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई एंड्रॉयड इज़ बेटर देन iOS। तो गाइस अगर आपके कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर बताना, मुझे आपके कॉमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट है। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट जाके एक लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन गाइज सी यू नेक्स्ट वीडियो, पीस।